हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और यू कैन से कंप्यूटर हिस्ट्री। तो यहाँ से हम टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा। विदाउट डिले शुरू करते हैं और आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी जनरेशंस अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? एक कंप्यूटर को कितनी जनरेशन में क्लासिफाइड किया जा सकता है? 3, 4, 5 या फिर 6? राइट आंसर क्या होगा? सी, 5 जनरेशन में एक कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं अब तक कंप्यूटर की 5 जनरेशंस अवेलेबल है। व्हाट वॉज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या थे? आंसर होगा बी, वैक्यूम ट्यूब। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 to 5 जनरेशन में कौन कौन से मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज डेवलप्ड बिटवीन 1940 to 1956? 1940 से 1956 के बीच किस जनरेशन के कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था? आंसर होगा ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ये 1940 से 1956 थे। अब यहाँ पे देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के 1 to 5 जो जनरेशन है सभी का टाइम पीरियड। तो फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956, सेकेंड 1956 to 1963, थर्ड जनरेशन 1964 to 1971, फोर्थ जनरेशन 1971 to 1980, फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी भी हम इसी जनरेशन में हैं। व्हाट वॉज द मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? जावा, पाइथन, C++, मशीन लैंग्वेज। आंसर होगा डी, मशीन लैंग्वेज मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोरट्रान, बेसिक एक्सेट्रा का इस्तेमाल हुआ था। फोर्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं ये नेचुरल लैंग्वेज और यू कैन से ह्यूमन लैंग्वेज पे बेस्ड है। व्हाट वर द मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? पहले जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाने वाले मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से थे? दिया गया है कीबोर्ड्स एंड माइक, सेकेंड है टच स्क्रीन्स एंड डिजिटल पेन्स, सी पेपर टेप एंड पंच कार्ड्स, डी प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। आंसर क्या होगा? सी, पेपर टेप और पंच कार्ड्स मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेन इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था? पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में थे मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन में पॉइंटिंग डिवाइसेस यानी कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। फिफ्थ जनरेशन में टच स्क्रीन्स, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा का इस्तेमाल किया गया। What were the main memory devices used in first generation computers? पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ की जाने वाली
मेन मेमोरी डिवाइस कौन सी थी? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा सी, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का मेन मेमोरी डिवाइस के रूप में पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया गया था। अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें मेन मेमोरी डिवाइस कौन सी थी, तो दिया गया है मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक डिस्क। थर्ड जनरेशन लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का। फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरीज का इस्तेमाल हुआ था जैसे रैम, रोम एक्सेट्रा। फिफ्थ जनरेशन में किसी भी मेमोरी का नाम नहीं दिया गया है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हाई एफिशिएंसी और लार्ज मेमोरी कैपेसिटी वाले होते हैं। व्हाट वाज द साइज एंड वेट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स? पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स का साइज और वेट क्या था? ए, स्मॉल एंड लाइट वेट, बी, लार्ज एंड हेवी, सी, मीडियम साइज्ड एंड लाइट वेट, डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी, लार्ज एंड हेवी। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ये लार्ज तो थे ही और हेवी भी होते थे। व्हाट वॉज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रांजिस्टर्स इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज करने का एडवांटेज क्या था? ए, रिड्यूस्ड द साइज एंड कॉस्ट। हमने देखा कि पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही लार्ज साइज के होते थे और हेवी वेट होता था, तो उसे कम करने के लिए हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन में किया, या फिर इंक्रीज्ड द साइज एंड कॉस्ट, उस साइज को और बढ़ाने के लिए और उसके कॉस्ट को और बढ़ाने के लिए किया। तीसरा है इंक्रीज्ड द हीट जनरेटेड। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, तो उसे और बढ़ाने के लिए हमने सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, रिड्यूस्ड द साइज एंड कॉस्ट। पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगता था और उसका जो साइज था, दोनों को कम करने के लिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा सी, चार्ल्स बैबेज के द्वारा। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? आंसर है ए, जे वी एटानासोव। पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? डी, हरमन होलेरिथ के द्वारा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आईबीएम कॉल्ड? आईबीएम द्वारा मैन्युफैक्चर्ड यानी कि निर्मित लैपटॉप कंप्यूटर्स की सीरीज का नाम क्या है? तो यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं फोर ऑप्शंस। राइट आंसर क्या होगा देख के बताइए। बी, थिंकपैड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर को रेफर करता है? दिया गया है नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर जो है इन सभी कंप्यूटर से तेज, बड़ा और महंगा होता है। अब देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में हाई लेवल का परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड और आईएमपीएस के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड यानी कि फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है,
ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इसके परफॉर्मेंस को किस में मेजर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्लॉप्स में, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो राइट आंसर क्या होगा, डी सीमोर क्रे। IBM सिस्टम 360 इज डैश, IBM सिस्टम 360 मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर्स को कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर्स को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, ए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को IBM सिस्टम 360 कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IBM सिस्टम 360 और S360 कंप्यूटर सिस्टम एक फैमिली है मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे IBM द्वारा 7 अप्रैल 1964 को अनाउंस किया गया था और 1965 और 1978 के बीच डिलीवर किया गया था। ये कंप्यूटर का पहला फैमिली था जिसे कमर्शियल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस, यानी कि इन दोनों को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। BCD क्या है, आंसर है ए बाइनरी कोडेड डेसिमल। द फोर्थ जनरेशन वॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रू फॉल्स, बताना है कि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ये इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में किया गया था, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, बी फॉल्स होगा, नहीं किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में। तो अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है किस पे बेस्ड है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, तो अगर आपको याद है तो आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, द टर्म कंप्यूटर इज डेराइव्ड फ्रॉम, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, या फिर जर्मन लैंग्वेज, आंसर होगा सी लैटिन लैंग्वेज से। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो है जिसे कहते हैं बुनियादी आर्किटेक्चर, किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो नेम दिए गए हैं यहाँ पे, ए जॉन वॉन न्यूमैन, बी चार्ल्स बैबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी नन ऑफ दिस, आंसर क्या होगा, ए जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर है बी चार्ल्स बैबेज को। What was the name of first computer designed by Charles Babbage? Charles Babbage द्वारा डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा बी डिफरेंस इंजन। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज, पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, आंसर होगा ए मिली सेकेंड्स। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग स्पीड था माइक्रो सेकेंड, थर्ड जनरेशन नैनो सेकेंड्स, फोर्थ जनरेशन पिको सेकेंड्स। हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी, बताइए आईसी या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किसने किया था, तो राइट आंसर होगा डी जैक किल्बी ने। द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वॉज, कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, मार्क वन, एनियक, एडसेक, यूनिवैक, आंसर होगा डी यूनिवैक। यूनिवैक वन और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन,
यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोड्यूस पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जिसे मुख्य रूप से एनियक के इन्वेंटर्स ने, जो जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन मॉचली है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था। डैश कंप्यूटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। यहाँ पे दिया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। बताना क्या है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है? तो आंसर है सी, माइक्रो कंप्यूटर्स। IBM 1401 इज, IBM 1401 क्या है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, या फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है? आंसर है डी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है IBM 1401। कोबोल, जावा, फोरट्रान आर कॉल्ड, इन सभी को क्या कहा जाता है? तो ये सभी हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मिनी कंप्यूटर एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड? मिनी कंप्यूटर का फादर और वर्ल्ड वाइड मॉडर्न कंप्यूटर इंडस्ट्री के फाउंडर्स में से, फाउंडर के रूप में किसे माना जाता है? आंसर होगा बी, केनेथ एच ओलसेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं केनेथ हैरी ओलसेन इनका फुल नेम है, जिनको मिनी कंप्यूटर का फादर और दुनिया भर में मॉडर्न कंप्यूटर इंडस्ट्री के फाउंडर्स के रूप में जाना जाता है। केन ओलसेन एक अमेरिकन इंजीनियर थे जिन्होंने 1957 में अपने कॉलीग हरलान एंडरसन और उनके भाई स्टेन ओलसेन के साथ डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन और DEC की को फाउंडेशन की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। दिया गया है रेडियो, टेलीविजन, बल्ब, कंप्यूटर। बताना है कि कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। तो आंसर है सी, बल्ब। बल्ब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बाकी जो आप यहाँ पे रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटर्स देख रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बिल्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा पहली जनरेशन के दौरान बनाया गया पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था? तो राइट आंसर होगा ए, एनियक। एनियक पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसे फर्स्ट जनरेशन के दौरान बनाया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक? पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर एनियक? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा ए, जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एकट के द्वारा। HLL स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और HLL में इंक्लूड है फोरट्रान, कोबोल एक्सेट्रा। ये क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ULSI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर क्या है? ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का एक पार्ट है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज ऑल्सो नोन एज, पांचवे जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इन्हें और
किस नाम से जाना जाता है? दिया गया है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा ए, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स ऑल्सो कॉल्ड वॉल्व्स? वैक्यूम ट्यूब्स को वॉल्व भी क्यों कहा जाता है? ए बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वे वीक सिग्नल्स को बढ़ा सकते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, यानी कि मजबूत बना सकते हैं, इसलिए वैक्यूम ट्यूब्स को वॉल्व भी कहा जाता है। बी कहता है बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट, क्योंकि वे करंट के फ्लो को रोक सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। सी बोथ ऑफ द एबव, डी नन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? बी बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स? इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी एनियक फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल है, ना कि सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है PDP-8, IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7094। ये सभी सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं, एनियक पहले जनरेशन का एग्जाम्पल है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर्स का मेन एडवांटेज क्या है? इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंप्यूटर में किस लिए किया गया था? ए रिड्यूस्ड साइज, साइज को कम करने के लिए। बी इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सी रिड्यूस्ड कॉस्ट, जो भी बनाने में कंप्यूटर को कॉस्ट लगता था, लागत लगता था, उसे और कम करने के लिए। डी ऑल ऑफ दी एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? डी साइज को कम करने के लिए, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए और लागत को कम करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में किया गया था। हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड? कंप्यूटर की जनरेशन को कैसे क्लासिफाइड किया गया? ए बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, मेमोरी और प्रोसेसर में यूज डिवाइस द्वारा। बी बाय द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के स्पीड के द्वारा। सी बाय द मॉडल ऑफ द कंप्यूटर। डी बाय द एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। तो कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे होगा? आंसर है ए बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर। कंप्यूटर की जनरेशन को क्लासिफाइड किया गया मेमोरी और डिवाइस में, मेमोरी और प्रोसेसर में यूज डिवाइस के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किसे विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी और डी। आंसर क्या होगा? सी मार्क वन। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वॉज, नेपाल में पेश किया गया पहला कंप्यूटर था IBM 1400, IBM 1401, IBM 1402, IBM 1403। राइट आंसर क्या होगा? बी IBM 1401। वेन वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाई होम? यहाँ पे आपसे दो चीज पूछा गया है, दुनिया का पहला लैपटॉप मार्केट में कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो दिया गया है ए बी सी और डी। आंसर क्या होगा? बी एप्सन के द्वारा पेश किया गया था 1981 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1981 में वर्ल्ड का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जिसका नाम था एप्सन द्वारा मार्केट में पेश किया गया था। एप्सन जो था ये पहला लैपटॉप कंप्यूटर था।
What was the name of the first stored program electronic computer which was built in 1949 at Cambridge University in England? पहले स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे 1949 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनाया गया था? तो राइट आंसर है बी एडसैक। एडसैक जो था ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में बनाया गया पहला स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1949 में बिल्ड किया गया था। एडसैक की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डीले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। एडबैक स्टैंड्स फॉर EDVAC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दिया गया है ए बी सी और डी। आप सभी को रीड करेंगे देन आपको आंसर बताना है। बताइए राइट आंसर कौन सा है? बी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनियक यूजेस, एनियक किसका इस्तेमाल करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए डेसिमल नंबरिंग सिस्टम का। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया जाता है? ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI माइक्रोप्रोसेसर, USLI माइक्रोप्रोसेसर। आंसर क्या होगा? सी VLSI माइक्रोप्रोसेसर का। VLSI स्टैंड्स फॉर, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है बी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोरट्रान स्टैंड्स फॉर, फोरट्रान का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है डी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एनियक इज, यूनिवैक इज, यूनिवैक क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। अ हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के जैसा दिखता है। रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर से मिलता जुलता है। सी रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों की तरह दिखता है, या फिर नन ऑफ दिस। आंसर है सी अ हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के जैसा दिखता है या फिर दोनों से मिलता जुलता है, आप ऐसे कह सकते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, कौन सी जनरेशन की कंप्यूटर अभी भी अंडर डेवलपमेंट है? तो आंसर है बी फिफ्थ जनरेशन। व्हाट डिफरेंस डज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैव फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी डिफरेंस है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो अदर जनरेशन में नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं अदर जनरेशन में और फिफ्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी कि फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन के कंपेरिजन में इसका टेक्नोलॉजी जो है ये और ज़्यादा एडवांस हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिल यूजफुल फॉर एडिंग नंबर्स, नंबर्स को ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभी भी यूजफुल है? करेक्ट आंसर है डी अबैकस। विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस, बैंक रेलवे और एयरलाइंस में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर? आंसर है डी मेन फ्रेम कंप्यूटर का। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड वेन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था ये भी बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ए बी सी और डी। आंसर क्या होगा? सी
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955 में। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है जहाँ पे इस्टैब्लिश किया गया था, इंस्टॉल किया गया था, जिस स्टेट में, जिस शहर में किया गया था और किस ईयर में किया गया था वो भी दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अलग अलग तरीके से कभी कभी तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सिर्फ ईयर पूछ लेगा। एनियक कंप्यूटर बिलोंग्स टू, एनियक कंप्यूटर जो है ये किससे बिलोंग करते हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, सेकेंड जनरेशन, थर्ड या फिर फोर्थ? आंसर है ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करता है एनियक। द पर्पस ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेन्यू इज टू, स्टार्ट मेन्यू में जो रन कमांड आता है जिसका शॉर्टकट होता है विंडो प्लस आर की, तो उस रन कमांड का पर्पस क्या है? दिया गया है ए, ओपन सिस्टम लॉक, बी, लॉन्च इंटरनेट ब्राउजर, सी, स्टार्ट प्रोग्राम्स, डी, सर्च फाइल, फाइल को सर्च करने के लिए। बताइए कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। सी, स्टार्ट प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को शुरू करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का प्राइमरी पर्पस है। द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से किए जाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? एक कंप्यूटर इन सभी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ए, परम। व्हाट डज CISC स्टैंड्स फॉर? तो आंसर हैगा बी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर करेक्टर कोडिंग सिस्टम्स, व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर? क्या कह रहा है? ASCII एंड EBCDIC जो है ये पॉपुलर करेक्टर कोडिंग सिस्टम्स है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये बताइए। तो दे दिया गया है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो हमने 61 क्वेश्चन को अब तक डिस्कस किया है। अब आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वीडियो के लास्ट में बताइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वर द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज की जाने वाली प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? तो आपको दिया गया है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, C++ एंड जावा, कोबोल एंड फोरट्रान, डी है पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट। 2 से 3 सेकंड का समय लीजिए, फिर बताइए। तो आंसर क्या होगा? ए, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज द इंडियस फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड, भारत का पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था? यहाँ पे आपको ईयर बताना है। तो राइट आंसर है ए, 1955 में। MSI स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राइट आंसर हो जाएगा डी, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशन कॉस्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन दिया गया है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस जनरेशन के कंप्यूटर की ऑपरेशन कॉस्ट जो थी सबसे एक्सपेंसिव थी, यानी कि महंगी थी? तो आंसर क्या होगा? ए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की ऑपरेशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित हैं?
तो राइट आंसर होगा बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का उपयोग किया जाता है बताइए। आंसर होगा डी ULSI माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा फर्स्ट जनरेशन में था, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन में था? तो आंसर क्या होगा ए इन सभी के तुलना में फर्स्ट जनरेशन का साइज सबसे बड़ा था। विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बताइए, कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो आंसर क्या होगा ए एनियक। एनियक का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, हमने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर किस पर आधारित है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ बताइए। तो ये जो है फोर्थ जनरेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, या हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा बी 1956 to 1963। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला पहला कंप्यूटर था? तो राइट आंसर क्या होगा बी एडसैक। एडसैक का फुल फॉर्म क्या है आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सपेंशन ऑफ EBCDIC, इसका फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम वॉज यूज बाय ENIAC, ENIAC के द्वारा किस नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ये भी बताया है हमने। आंसर क्या होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है? करेक्ट आंसर है बी ABC। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जनक कौन है? करेक्ट आंसर बी है विंड सेव। तो 15 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगली टॉपिक कौन सी होनी चाहिए कमेंट में लिख के बताना है।